Alright, aspirants, welcome back to our YouTube channel. Myself Anurag, and you are watching Unleash RBI, the one stop solution for the preparation of RBI Grade B exam. So, guys, this is the third lecture of your Finance and Management Lecture Series. और प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी अबाउट द फाइनेंशियल सिस्टम और वहाँ पे हमने बात करी थी कि फ़ाइनेंशियल सिस्टम के फ़ोर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें जो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट होता है दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन को हमने डिस्कस करा था और नंबर uh, ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस होते हैं हमारे इंडिया में दैट आर टेन इस पर हमने बात करी थी और सबसे पहला जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी डेफिनेशन को हमने डिस्कस करा था उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ इस पर हमने बात करी थी एंड द थर्ड वन वी हैव डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आर तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्सिडरीज ऑफ़ आर तो देयर आर फाइव सब्सिडरीज ऑफ़ आर नंबर वन इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द नेक्स्ट वन इज़ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द थर्ड वन इज़ रिज़र्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द फोर्थ वन इज़ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एल सर्विसेज और इसे हम कहते हैं इफ़ एंड द फिफ्थ वन इज़ रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब या फिर आर बी आई एच सो हम इन सब्सिडरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स सो नो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट सब्सिडरी ऑफ आर बी आई दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन सो गाइज ये जो सब्सिडरी ये स्टेबलिश हुई थी ऑन फिफ्टीन जुलाई नाइनटीन सेवनटी एट विद्स हेड क्वार्टर इन मुंबई और इस सब्सिडरी को फॉर्म किया गया था मर्जिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब गैस इस पर्टिकुलर सब्सिडरी की नीड क्या थी क्या वर्किंग है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं सो अस सपोज की दो फ्रेंड हैं अजय एंड राहुल इन दोनों की मंथली इनकम है टेन लाख रुपीज़ पर मंथ और इन्होंने डिसाइड करा कि ये अपनी सेविंग्स एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे सो so, अजय ने फोर लाख रुपीस अपने सेव करे थे एंड राहुल ने एट लाख रुपीस सेव करे थे और इनको इन्होंने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ इनका जो बैंक है वो बैंक करप्ट हो गया और जब इसकी न्यूज़ इन दोनों को मिली तो इन्होंने डिसाइड करा कि ये बैंक अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और उनसे अपना रिफ़ंड क्लेम करेंगे ये दोनों गए बैंक अथॉरिटीज़ के पास और बैंक अथॉरिटीज़ ने इन्हें डिनाई कर दिया कि दे वर अनेबल टू पे देयर रिफंड सो आफ्टर दैट ऐसे कई सारे केसेस हुए इंडिया में सो फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू आर ने इस पर्टिकुलर सब्सिडरी को इस्टेब्लिश किया दैट इज डी आई या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अब ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी है इसका फंक्शन ये है कि अगर कोई भी बैंक बैंक करप्ट हो जाता है तो उसके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनका जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उस पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा अप टू द लिमिट ऑफ फाइव लाख तो जैसा कि यहाँ पर अजय uh, जो है इसने फोर लाख रुपीस डिपॉजिट करे थे तो इसको फोर लाख रुपीस मिल जाएंगे बट राहुल को क्या मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फाइव लाख मिलेगा थ्री लाख जो हैं वो नहीं मिलेंगे अब गैज़ ये पहले जो लिमिट थी इस पर्टिकुलर सब्सिडरी में दैट वॉज़ वन लाख। रिसेंटली इसको फाइव लाख तक इंक्रीज़ कर दिया गया है ना अब बात करेंगे अबाउट द सेकेंड सब्सिडरी ऑफ आर बी आई दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड अब ये जो सब्सिडरी इसको आरबीआई ने स्टैब्लिश करा था ऑन फिफ्टीन फेफ नाइन नाइन विद्स हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु और ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी इसकी फंक्शनिंग जो है दैट इज़ टू लुक आफ्टर द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी अब गायज जब हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम पर ओल्ड नोट्स को रिप्लेस करके न्यू नोट्स को इंट्रोड्यूस करने का जो पूरा वर्क था जो पूरी फंक्शनिंग थी दैट वॉज हैंडल्ड बाय भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड अब गाइज नोट प्रिंटिंग की बात करें तो फोर प्रेसेज हैं पूरे इंडिया में जहाँ पर नोट प्रिंटिंग होती है जिसमें से दो जो प्रेसेज हैं दैट वर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेनिंग

सो जो नेक्स्ट दो प्रिंट प्रिंटिंग प्रेसेज है जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ओन करता है दैट वर माइसो इन माइसोर इन कर्नाटका एंड द सेकेंड वन इज़ इन सेल्वानी इन वेस्ट बंगाल एंड गाइज जो कॉइन मिंट होते हैं वो फोर प्लेसेस पर होते हैं नंबर वन इज़ इन मुंबई द सेकेंड वन इज़ इन हैदराबाद द थर्ड वन इज़ कोलकाता एंड द लास्ट वन इज़ इन नोएडा अब गाइज मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द थर्ड सब्सिडरी ऑफ आर बी आई दैट इज़ रेबिट या फिर रिजर्व बैंक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड अब गैस इस पर्टिकुलर सब्सिडरी को क्यों स्टैब्लिश किया गया था इसको समझते विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल लेटर सपोज कि आपने डिसाइड करा कि आपको अपना एक अकाउंट बैंक में ओपन करना है तो आपने फॉर्म फिल कर अपनी डिटेल्स दी लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड अपना मोबाइल नंबर सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक क्या करेगा अपने पर्टिकुलर सर्वर uh, में स्टोर करेगा और वो जो पर्टिकुलर सर्वर में इंफॉर्मेशन स्टोरड है इसको हैक करने के लिए हैकरस वर्क करते हैं सो so, आपकी इंफॉर्मेशन सेफ़ रहे कोई और उसे स्टोल ना कर पाए फॉर दैट ये सब्सिडरी को स्टैब्लिश किया गया था इन 2016। और ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी है ये मैनेज करती है आर बी आई की जितने भी आई टी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऑल ओवर बैंकिंग सिस्टम एंड इट ऑल्सो असिस्ट आर बी आई इन आई टी ऑडिट्स एंड अदर बैंक असेसमेंट्स सो गैज दिस इज़ अबाउट द थर्ड सब्सिडरी ऑफ आर अब बात करते हैं अबाउट द फोर्थ सब्सिड्री दैट इज़ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज सो गैज ये जो पर्टिकुलर सब्सिड्री इसकी वर्किंग को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल लाइक बिफोर टू जब आर इंट्रोड्यूस हुआ था उसके पहले uh, जो uh, अगर सैलरीज uh, जो होती थी अकाउंट में वर्कर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता था कि पहले लाइन में लगना इनकी डिटेल्स को प्रोवाइड करना फॉर्म फिल करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था लेकिन विद द हेल्प ऑफ आरटीजीएस जब आरटीजीएस और एनएफटी इंट्रोड्यूस हुए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई बहुत ईजिली ही जो सैलरीज हैं वो एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती थी बट इस पर्टिकुलर सब्सिडरी को इंट्रोड्यूस करने का जो मोटिव था आर का दैट वॉज़ टू मेक ट्रांजेक्शन ईजिली फॉर नॉर्मल पर्सनस तो इसके लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया इन 2015 और इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन एज़ ऑल वी नो दैट बहुत ही बड़ा इनोवेशन हुआ बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया बैंकिंग सेक्टर में जब यू इंट्रोड्यूस किया गया तो ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी इसका काम है टू डिज़ाइन डिप्लॉय एंड प्रोवाइड एसेंशियल आई रिलेटेड सर्विसेज जो आर या कोई भी बैंक या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है तो गाइज नाउ मूविंग टूव द लास्ट सब्सिडरी ऑफ आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इस पर्टिकुलर सब्सिडरी को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इन 2021 और इस पर्टिकुलर सब्सिडरी का जो वर्क है टू एज़ ऑल वी नो डैट इनोवेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के ग्रोथ का तो इनोवेशन करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा इनोवेशन और साथ ही साथ उस इनोवेशन का क्या इंक्लूज़न है और क्या इम्पैक्ट रहता है उसका सोसाइटी में लाइक like बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आर बी आई ने इस पर्टिकुलर सब्सिडी को फॉर्म करा था टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन इनवमेंट डेट एसेलरेट इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर तो गैस आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो मेक श्योर sure करें कि आप उसे कमेंट बॉक्स में मैंशन करें एंड वी विल आंसर इट सो गैस लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आर बेग्रेट बी एग्जाम और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें एंड इफ़ यू नीड एनी स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ आर बी ग्रेड बी एग्ज़ाम तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं तो गज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय जय हिंद